दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी रूप रानी यानी कि रूप की रानी। और कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है रूप रानी ऑसम ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग साथ में शेयर करने वाले अपना मेकअप लुक। तो आई होप आपको ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक शेयर साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, और जितना हो सके मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये मेकअप लुक पसंद भी ना आए तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के जाइए, कहीं लास्ट तक आपको पसंद आ जाए। नहीं, सही बोला ना मैंने? तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले तो मैं स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन करने में टोनर, सीरम, साथ में मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी NY का प्राइमर और फाउंडेशन। चाहे आपके पास CC क्रीम है तो आप वो भी ले सकती हैं, अगर फाउंडेशन तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही मैं अच्छे से सीरम लेकर अच्छे से अपने फेस को ना मतलब मसाज कर रही थी। और ये देखिए वहाँ पर वाओ स्किन साइज का मॉइस्चराइजर क्रीम मैंने यूज़ किया हुआ है, वो क्लिप मेरे से शायद हट गया है इसकी वजह से। और मैं फिर यहाँ पे ना NY का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा प्राइमर बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरा ये प्राइमर बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से इस प्राइमर को यूज़ करी, और मैंने इसको मंगाया हुआ था पर्पल से। और अगर आपको पर्पल शॉपिंग हॉल भी देखने तो प्लीज़ मुझे आप लोग बताइएगा, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं आपको पूरा ज़रूर करना चाहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे NY का प्राइमर लगा कर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस को अच्छे से मसाज करती हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाऊँ चाहे प्राइमर लगाऊँ तो अच्छे से मसाज करती हूँ। टोनर भी लगाती तब से मसाज करती हूँ। और मैं यहाँ अपने लोकल मार्केट से फाउंडेशन लेके आई थी, तो वही मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं डार्क सर्कल्स नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग को दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं फाउंडेशन लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं डिप डिप करके मैं फाउंडेशन लगाऊंगी अच्छे से फेस और नेक के साथ में, दोनों के साथ में हमें अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर हम फेस पे लगा लेंगे तो नेक हमारा थोड़ा सा डल दिखने लगता है, इसके वजह से आप फेस और नेक हमेशा दोनों साथ में यूज़ कीजिए। और ये लगाने के बाद से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और मैंने पता है बिंदी कहाँ पर लगा, देखिए बिंदी मैंने गर्दन में लगा रखा है, और जिस मैं वीडियो में अब देख रही हूँ कि मैंने बिंदी कहाँ पर लगा रखा है। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे NY की कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर, कॉम्पैक्ट पाउडर, हाँ वही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी। और हाँ, अच्छे से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी। उसके बाद मैं सिवाना का ले रही हूँ आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं हल्का सा ब्राउन कलर लूँगी और अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने अपने आईब्रो को फिल किया हुआ है। और मैं ना यहाँ पे आईशैडो लगाने से पहले टिप लगा रही हूँ, और मैं आईशैडो पहले यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिलोशन का कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं इसमें स्किन केयर लूँगी, उसके बाद में मेहरून और गोल्डन कलर में यूज़ करूँगी, सिमरी गोल्डन कलर। और जब भी पता है फ्रेंड्स, जब भी आप सिमरी कलर लगाइए ना तो आप अपने हाथों से लगाइए, बहुत अच्छे से लगता है वो। जैसे कि देख रहे हैं ना आप लोग, मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ और ब्रश की हेल्प से हल्का सा इसको ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे अपने अच्छे से ब्रश की हेल्प से अच्छे से आई शेडो को हल्के से ब्लेंड कर दूँगी। और ब्लेंड करने से क्या होता है ना, मेकअप बहुत टाइम तक टिका रहता है। आप जितने अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा उतनी अच्छे से मेकअप आपका आंखों पे चाहे फेस पे टिका रहेगा। तो उसके बाद मैं अपना टेप जो लगाया था मैंने उसको निकाल दूँगी, और फिर मैं अच्छे से इसको मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डार्क कलर है तो फिर मैं उसको रिमूव कर दूँगी। और फिर मैं यहाँ पर अपने आईब्रो पर हाईलाइट कर रही हूँ, अब देख सकते हैं जैसे कि। और उसी पैलेट से मैंने लिया हाईलाइटर भी, क्योंकि ना वो आईशैडो पैलेट ऐसा है ना कि आप आईशैडो भी यूज़ कर सकती हैं और हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों उसमें ना मिक्स मैच करके लगा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हैं कम बजट में मेरा मेकअप लुक अच्छे से हो जाए, तो बस मैंने वही कोशिश किया हुआ है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डार्क लग गया, तो इसलिए मैंने कॉटन के कपड़े की हेल्प से उसको हल्के से रिमूव कर रही थी मैं, और फिर मैं उसको हाईलाइट किया मैंने, ठीक है। और आप देख सकते हैं ब्रश की मदद से, और ये देखिए हो गया मेरा आंखों का मेकअप तो हो चुका है। और मैं फिर यहाँ पे ना काजल और आईलाइनर, काजल भी पर्पल का लगाऊंगी और आईलाइनर भी SQ का लगाऊंगी। SQ के मेरा फेवरेट आईलाइनर है, क्या होता है ना फ्रेंड, वो वाटरप्रूफ है, एक तो मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और वाटरप्रूफ है,
बहुत टाइम तक मेकअप लुक, जब तक हम अच्छे से इसको रिमूव नहीं करते तब तक वो रिमूव नहीं होता है। तो मेरा तो फ्रैपेटो आईलाइनर, मैं जब भी आप देखिएगा ना हमेशा मैं एस क्यू का ही आईलाइनर यूज़ करती हूँ। और अभी मैंने मंगाया हुआ है प्लम का काजल, देखते हैं उसका भी मैं रिव्यू दूंगी कैसा है कैसा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने के बाद मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, और मैं फिर ना यहाँ पे कुछ तो चीज़ें ढूंढ रही थी क्योंकि बच्चे थे ना तो इसके वजह से मिल नहीं रहा था। क्या होता है ना, बच्चे थोड़े से हल्ला मचाते हैं ना तो उसके वजह से थोड़ा उलझन होती है, और बच्चों को कहाँ रख सकते नहीं, बच्चे तो हमारे मम्मी के पास ही तो रहेंगे ना, तो बस वही बैठे थे सभी लोग। फिर मैं अपने शीशे में ऐसे फेस देख रही थी कि कुछ कमी तो नहीं रही, क्योंकि क्या होता है ना अक्सर हम जब अपना कैमरा ऑन करते हैं ना तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, इसके वजह से मैं अपने फेस को जैसे देख रही थी। और जैसे कि मैंने बताया ना मैंने पर्पल का काजल और यूज़ किया, तो बस वही मैं काजल लगा रही हूँ और साथ में आईलाइनर भी लगा लूँगी। और ये तो मुझे लग रहा है ना ये लुक आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मुझे खुद ही लुक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और पता है मैंने जब ये मेकअप लुक किया था ना तो मैं 30 के दिन लाइव भी आई थी, तो लोग बहुत से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था कि प्लीज़ दी आप ये मेकअप लुक शेयर करो, हमें देखना है आपने ये मेकअप कैसे किया हुआ है। तो बस आप सबकी रिक्वेस्ट पर मिले कि आ गई ये मेकअप लुक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काजल लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स, इतना मेकअप लगाने के बाद आता है हमारे मेकअप का जान, मतलब लिपस्टिक और हाइलाइटर। अगर मेकअप में ये दो ना हो तो फिर हमारा मेकअप मतलब क्या बताओ मेकअप नहीं होता है। तो देखिए लिपस्टिक लगाने के बाद कितना अच्छा लुक आता है ना, और उसके बाद अपने फेस को हाइलाइटर लगा के और जितना भी एक्स्ट्रा है ना फेस पाउडर या हाइलाइटर उसको मैं रिमूव कर दूँगी हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, ब्रश की मदद से मेरा मेकअप लुक ख़त्म और मैं आपसे मिलती हूँ उसके बाद। फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक।